नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं। अब इस उत्साह का असर महागठबंधन की सेहत पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता कौकब कादरी ने महागठबंधन में बिहार की आधी सीटों पर दावा ठोक दिया है। 19 में कांग्रेस की 20 पॉलिटिक्स, बिहार की आधी सीटों पर दावा, कैसे खुलेगी सीटों की गांठ? विधानसभा चुनाव के 3 राज्यों के जीत का असर बिहार कांग्रेस पर भी नजर आ रहा है। अरसे बाद कांग्रेस को खुशी मनाने का मौका मिला, लेकिन जीत के बाद कांग्रेस नेता अति उत्साह में नजर आ रहे हैं। बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आइए बताते हैं कि कादरी ने क्या कहा। कांग्रेस 20 सीटों पर लड़ने की तैयारी में, कुछ सीटों पर हो सकता है समझौता, 8, 10, 12 की बात करना बेमानी, सीटों पर बैठकर होगी बात। मेरा अपना मानना था कि कांग्रेस कम से कम 20 सीटों पर जरूर तैयारी कर करके बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। अब आने वाले समय में हमारे जो सहयोगी साथी हैं उनके साथ समीक्षा करके कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 8 सीट, 10 सीट, 12 सीट, ये कोई लिमिटेशन नहीं है। मैंने कहा कि ये सीट की संख्या बढ़ भी सकती है और संभावनाएं हम तलाश कर रहे हैं, बैठ करके एक अच्छे नतीजे आपके सामने रखेंगे। महागठबंधन में सीट को लेकर अब तक जो फॉर्मूले सामने आए हैं उसमें महागठबंधन का G20 फॉर्मूला, RJD 20, कांग्रेस 10, लेफ्ट 2, हम 1, BSP 1, RLSP 6। लेकिन इस फॉर्मूले में अब कांग्रेस ने पेंच फंसाया है। अति उत्साहित कांग्रेसियों को RJD नेता आईना दिखा रहे हैं। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा अति उत्साह में किसी भी तरह का वैसा एक्ट नहीं करना चाहिए जिससे जो है, और न बहुत सारी चीजें बोलना चाहिए। अरे जब तय होगा तय होगा, गठबंधन के नेता बैठेंगे, वो तय करेंगे। कांग्रेस नेताओं पर इस वक्त विधानसभा चुनाव की जीत की खुमारी छाई है। हालांकि वे बिहार में पार्टी का जनाधार जानते हैं, ऐसे में इसे सीट बंटवारे से ज्यादा सीटें हासिल करने की कवायद से ज्यादा कुछ नहीं समझा जा सकता। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। बिहार की सियासत इन दिनों नसीहत के रास्ते पर चल पड़ी है। विरोधी तो विरोधी अब अपने भी आंख दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद JDU ने BJP को मुद्दे बदलने की सलाह दी तो RJD ने सेल्फ गोल से बचने की नसीहत। उधर BJP नेताओं ने साफ कह दिया कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। हार के बाद अपनों ने दिखाई आंख, JDU के तीर के निशाने पर BJP, विकास के मुद्दे पर कौन नहीं है फोकस। विधानसभा चुनाव परिणाम का असर बिहार NDA में भी नजर आ रहा है। सहयोगी LJP और JDU ने BJP को आत्ममंथन की सलाह दी तो विरोधियों को भी हमला करने का मौका मिल गया। ताजा मामला चुनाव के मुद्दे का है। बिहार सरकार में मंत्री और BJP के नेता विजय सिन्हा के मुताबिक BJP राष्ट्रहित की राजनीति करती है और उन्हें हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। विजय सिन्हा ने कहा कि वे चुनाव के दौरान ही नहीं हर वक्त राम का मुद्दा उठाते हैं। इधर JDU ने इशारों में नसीहत दी कि पेंटिंग्स पर अगर रंग गिरेगा तो वो बदरंग हो जाएगी। हमेशा राष्ट्रहित में कभी कभी नुकसान सहना पड़ता है, लेकिन राष्ट्रहित अंतोगत्वा आम आवाम इसको स्वीकार करता है, और जब स्वीकार करता है तो वह राजनीति अस्थायी होती है। मेरा दूसरी तरफ ये मानना है कि जनता की उम्मीदें नरेंद्र मोदी जी से 2019 के लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर ये है कि विकास को लेकर के उन्होंने जो भी कार्य किए हैं उस पर जनता का भरोसा है, और विकास 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 यही 2019 का एजेंडा। सहयोगियों के बीच बयानबाजी जारी है तो कई लोग मिल बैठकर बातचीत करने की सलाह दे रहे हैं। उद्योग मंत्री और JDU के नेता जय कुमार सिंह के मुताबिक BJP के साथ उनकी पार्टी भी चुनाव परिणाम की समीक्षा करेगी। इधर RJD ने एक बार फिर से BJP के नीतियों पर निशाना साधा और पूरी कवायद सेल्फ गोल की संज्ञा दी। किसी न किसी मुद्दे पर जरूर लोग नाराज हुए हैं, इसकी बड़ी अध्ययन की जरूरत है और अध्ययन करेंगे भी। वो राष्ट्रीय दल हैं और राष्ट्र की के सेवा में लगे रहते हैं। BJP ने
अपनी राजनीति में उल्टी गंगा बहा के रखी है कि हम ठीक है, दूसरे सब गलत है, और दूसरे जो गलत है उसका भी कोई तर्क नहीं है, बल्कि वो घृणा पैदा करके वोट के लिए जो है समाज को कमजोर कर रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं। चुनावी साल है और सभी की चाहत गठबंधन में अपने को मजबूत बनाने की है। ऐसे में विरोधी तो विरोधी अपने भी आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहे। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। पांच राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी को उसके सहयोगी बार बार चेतने की सलाह दे रहे हैं, एजेंडे पर विचार की नसीहत दे रहे हैं। जेडीयू के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान भी बीजेपी को मंदिर मस्जिद भूलकर विकास को तवज्जो देने की सलाह दे चुके हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि चिराग की राय से उनके परिवार के बुजुर्ग ही इत्तफाक नहीं रखते, बल्कि पूरे पासवान परिवार में ही बीजेपी को लेकर एक राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर एनडीए का जो मोटो रहा है वो हमेशा डेवलपमेंट रहा है। कहीं ना कहीं जब इस पर राम मंदिर, इस पर हनुमान, इस तरीके से जब हावी होने लगते हैं तो जनता भी कहीं ना कहीं एजेंडे से भ्रमित होती हो। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय समिति के अध्यक्ष चिराग पासवान की ये नसीहत चुनावी नतीजों के बाद आई है, जिन्हें लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा साफ होना चाहिए और राम हनुमान की बजाय विकास को तरजीह दी जानी चाहिए। इधर एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और चिराग पासवान के चाचा जी की राय उनसे अलग है। पशुपति पारस के मुताबिक जीत हार चुनाव का ही हिस्सा होते हैं। अब ये अलग बात है कि लगे हाथों वो भी बीजेपी को सलाह देना नहीं भूलते। सुनना चाहिए, पहले भी सुनना चाहिए था और आज भी सुनना चाहिए था, क्योंकि बड़ा पार्टनर है, देश के प्रधानमंत्री हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, तो जो छोटे छोटे पार्टनर हैं, जो सहयोगी दल है, निश्चित रूप से उनकी बात को भी सुननी है। पार्टी सुप्रीमो की राय बाकी दोनों से अलग है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान को बीजेपी से कोई शिकायत नहीं। ये कह रहे उसमें हम जो है सो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए अलग बात है, हम लोगों को ऐसी कोई शिकायत तो है नहीं, हमने तो कभी शिकायत नहीं किया कि हमारी बातें मानी नहीं जाती है या नहीं हलता। अब एक ही पार्टी और एक ही परिवार से इतनी मुख्तलिफ राय सामने आई है तो विरोधियों का बोलना तो बनता है। देखिए, आपस में ये तीनों आदमी तीन तरह का बयान दे रहे हैं और इससे लगता है कि कहीं न कहीं मौसम वैज्ञानिक था रहे हैं अपना मौसम कहीं जाने के लिए, और इसलिए इस तरह का बयान तीनों का तीन तरह का आ रहा है। अब लगता है कि उन लोगों का भी मानसिकता डगमगा रहा है और यही डगमगाहट में चिराग साहब कुछ बोलते हैं, पशुपति जी कुछ बोलते हैं और माननीय नीति रामविलास पासवान कह रहे हैं कि हमको कोई शिकायत नहीं। लेकिन ये बात सही, राजनीति में जो बातें होती है प्रायः उल्टी हुआ करती है। हालांकि जेडीयू और बीजेपी इसे ज्यादा तूल देना नहीं चाहती, उनके लिए तो इतना ही काफी है कि एलजेपी के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं। देखिए, एलजेपी के तीन नेताओं का क्या बयान है मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट है, एलजेपी बहुत मजबूती के साथ एनडीए में बनी हुई है। रामविलास पासवान जी का जो वक्तव्य होगा, बयान होगा, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसको अमल करेगी और उस पर विचार करेगी। राजनीति में न कोई अपना होता है न कोई पराया, सुविधानुसार पार्टियां और नेता गठबंधन करते हैं। अब देखना यह है कि कुशवाहा के जाने के बाद रामविलास पासवान पर किए जा रहे अनुमान कितने सच साबित होते हैं। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। सियासत में रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, कहते हैं वो अनुमान लगा लेते हैं कि सत्ता किसके हिस्से आएगी। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी के एक और दिग्गज रघुवंश प्रसाद ने रामविलास पासवान को लेकर भविष्यवाणी कर दी है और इस पर मचा है घमासान। मौसम विज्ञानी है, देखिए ना, रुक रिजल्ट के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, कुछ ही दिनों में आ जाएगा, तो हम तो साल दो साल पहले ना बोल देते हैं, लोग कहा बोलते हैं, लेकिन मैं जो बोल देता हूँ साल दो साल को ही होता। पासवान जी भी आ जाएंगे। हाँ, मौसम वैज्ञानिक पर बड़ा अनुमान, रघुवंश की राय पर सियासी राज। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह सियासत में अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बयान नहीं दिया,
भविष्यवाणी की, वो भी बिहार की राजनीति के कद्दावर रामविलास पासवान की। रघुवंश सिंह की माने तो चुनाव से पहले पासवान पाला बदल सकते हैं। जाहिर है अब इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। भाई वीरेंद्र को भी उम्मीद है रामविलास आएंगे। मौसम वैज्ञानिक के बारे में भी मैंने कहा था कि आने दीजिए, चुनाव नजदीक, मौसम वैज्ञानिक मौसम पहचान कर और एनडीए को छोड़ने का काम करेंगे। रघुवंश बाबू जो बयान दिए हैं, हम भी कई बार बयान दिया कि 5 राज्यों में सुपरा साफ हो जाएगा बीजेपी का, सुपरा साफ हो गया। एनडीए से आरएलएसपी की टूट अभी ताजा है। रघुवंश सिंह के बयान ने एक और बहस छेड़ दी, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के नेता मानते हैं कि रामविलास एनडीए के मजबूत सहयोगी हैं। माननीय रघुवंश बाबू सम्मानित नेता है, दुर्भाग्य यह है कि उम्र के चौथे पड़ाव पर होटवार जेल से प्रेरणा ले रहे हैं। सच यह है कि माननीय रघुवंश बाबू को इस बात का एहसास है कि माननीय रामविलास पासवान जी एनडीए के पार्ट एंड पार्सल अंग हैं, तो वैशाली में हाड़ में हर्दी लगना मुश्किल उनको नजर आ रहा है। तो अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए वो राजनीति में छद्म भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और रामविलास पासवान जी को नसीहत देने की फिलहाल जरूरत नहीं है। रामविलास जी खुद एक वरिष्ठ नेता हैं और खुद काफी परिपक्व हैं और एनडीए के साथ 2019 के चुनाव में बड़े ही मजबूती से नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के मिशन में लगे हैं। बिहार की सियासत लालू नीतीश और रामविलास की ही धुरी पर घूमती रही है। जाहिर है रामविलास के बहाने आरजेडी दलित वोटर्स को रिझाने की पॉलिटिक्स कर रही है। नवजीत, जी मीडिया। जेडीयू के चाणक्य आज पहली बार कैमरे से मुखातिब हुए। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के दौरान हुए विवाद के बाद प्रशांत किशोर ने कहा था कि नतीजों के ऐलान के बाद वो मीडिया में आकर अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने ऐसा किया भी। मीडिया के सामने उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। बिहार की तरक्की के लिए जेडीयू के विजन से लेकर बीजेपी से सीट बंटवारे तक, चुनावी नतीजों से लेकर तेजस्वी के बयान तक, और प्रशांत किशोर ने इस मामले पर खुलकर अपनी राय का इजहार किया। अगले 10 साल में बिहार को विकास के ज्यादातर महत्वपूर्ण मानकों पर देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना, जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, ऐसे 1,00,000 लोगों को जोड़ना, उनको अपनी क्षमता के अनुसार ये बताना कि वो अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और आने वाले 5 साल में 10 साल में ऐसे लोग चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, चुनाव कैसे जीत सकते हैं। अलार्मिंग तो नहीं लगता है, स्वाभाविक है। वहाँ जिस पार्टी की हार हुई है उनको देखना है, जो जीते हैं उनको देखना है। बिहार में क्या लगता है, जनता का मूड बदल रहा है कुछ? अब इसकी समझ तो आपको ज्यादा होगी, हम तो ज्यादा जनता की मूड की समझ देश में। मैं ये समझता हूँ कि अभी भी नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा और उनके जीतने की संभावना बहुत प्रबल है। हम अलायंस में इसलिए है क्योंकि कई मुद्दों पर हम लोग के विचार में, कार्यक्रम में समानता है। इसलिए अलायंस में हम लोग दो पार्टी हैं। इसलिए है दो पार्टी क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमारे आपस में हमारी सोच से एक नहीं हो सकती। 2014 में जिस चुनाव में मैं जुड़ा हुआ था उसमें राम मंदिर मुद्दा नहीं था। बीजेपी बहुत बड़ा दल है, उसमें बहुत समझदार अनुभवी लोग हैं, उनको किसी प्रशांत किशोर के सुझाव की जरूरत नहीं है। वो समझते हैं कि अपनी पार्टी कैसे चलानी है, वो समझते हैं कि उनको चुनाव कैसे लड़ना है। गठबंधन में शामिल है तो आप भी तो अफेक्टेड होंगे। हम गठबंधन में शामिल हैं तो जो हम लोग की छोटी भूमिका है उस भूमिका में जो हम लोग कर सकते हैं वो बात करेंगे। इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं ये आपका चॉइस है, आपका अपना संस्कार, आपकी अपनी सोच को दर्शाता है। नीतीश जी का या हम लोग का ऐसा मानना है कि आपको राजनीति में अच्छे भाषा का प्रयोग करके ही आप अपनी बात कह सकते हैं। किसी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है, वो अगर करते हैं ये उनकी सोच है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू को निशाने पर लिया है। तेजस्वी ने कहा कि 3 राज्यों के बाद 2019 में जनता बीजेपी को जवाब देगी। इसके साथ ही तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। तो इन्होंने जिस प्रकार से जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस पे तबाही मचा रखी है, अघोषित इमरजेंसी लागू कर रखा है, पूरी तरीके से तानाशाह की तरह ये लोग जो राज करने का काम कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल करके, जुमलेबाजी बोल करके ठगने का काम किया,
बीजेपी को हार का सबक सिखाने वाली जनता है और आने वाले समय में ये तो शुरुआत है। अब शायद नीतीश जी अपने अंतरात्मा से रात में बात करते होंगे तो शायद हो सकता है पलटी मारने की सोच रहे, वो एकदम पक्के तरीके से पलटी मारने की सोच रहे, नसीहत क्या दे रहे। आना तो यही ना चाहते थे, दरवाजा बंद है, अगर यहाँ आ जाते तो आज हमको बिहार की जनता माफ नहीं करती, हमको अवसरवादी बताती, हमको पद का लालच नहीं है ना। हम तो पहले भी कहते रहे अगर हमको मुख्यमंत्री बनना होता तो हम बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते, बीजेपी हमको सीएम बना देती।